नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है बीजेपी ऑफिस में। बीजेपी नेताओं का मंथन चल रहा है। बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। सीएम शिवराज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुरलीधर राव भी शामिल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया एक ही वाहन में पहुंचे हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन चल रहा है। बिग मीटिंग बीजेपी की। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, मुरलीधर राव, शिव प्रकाश, नरोत्तम मिश्रा, हितानंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सत्ता और संगठन के बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री सिंधिया एक ही वाहन में बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बैठकों का, मंथनों का दौर लगातार जारी। बीजेपी की एक बड़ी बैठक, अहम बैठक राजधानी भोपाल में हो रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी के 150 सीटों के दावे पर बोले हैं सिंधिया, कांग्रेस की यही कठिनाई है। बैठक दिल्ली में, वक्तव्य दिल्ली में और राज्य एमपी का। मध्य प्रदेश की जनता गुहार लगा रही है कि दिल्ली दूर है। बीजेपी का कार्यकर्ता जमीन में उतरकर समर्पित भाव से काम कर रहा है। पूर्ण विश्वास है एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे पर राहुल गांधी के ना बोलने पर इस पर मैं क्या टिप्पणी दूं? मुख्यमंत्री कौन रहेगा? इस पर मैं क्या टिप्पणी दूंगा? मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो दूसरे नेताओं पर टिप्पणी करूं। भगवान ने एक जिंदगी दी है सकारात्मक सोच के लिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, और यही इस परिवार की परंपरा रही है। चाहे मेरी आजी अम्मा रही हूँ, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे, तो मेरा लोगों को पर टिप्पणी करना, उनको नीचे दिखाना, ये कांग्रेस की आदत है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है और ना ये सिंधिया परिवार की आदत। सिंगल तो नहीं हो पाएगा, बताओ। सर, राहुल गांधी जो है वो बोल रहे हैं कि 150 सीटें मध्य प्रदेश में आने वाली हैं, दावा किया उन्होंने आज की बैठक के बाद। कांग्रेस की यही कठिनाई है कि बैठक दिल्ली में, वक्तव्य दिल्ली में और राज्य मध्य प्रदेश का, यही तो संकट है कांग्रेस में। तो मध्य प्रदेश की जनता गुहार लगा रही है कि दिल्ली बहुत दूर है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी सरकार ने कभी नहीं कहा आर्थिक संकट है, उनका कहना है। दिग्विजय सिंह के शासन में ऐसा कहा जाता था, कमलनाथ भी आर्थिक संकट के लिए रोते थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार विकास काम कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ऐसा कहते हैं, जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से बीजेपी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी नहीं कहा कि आर्थिक संकट है, लेकिन आप सबको मालूम होगा 2003 से पहले दिग्विजय सिंह ही मुख्यमंत्री थे, रोज ये कहते थे आर्थिक संकट है, तमाम सारे विभाग बंद होने के कगार पर आ गए। बाद में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, 1.5 साल तक आर्थिक संकट को ही रोते रहे। कमलनाथ जी के जाने के बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, तब से लगातार विकास के काम हो रहे हैं, कहीं आर्थिक संकट की बात नहीं है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया की आज बीजेपी में वापसी हो गई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पटेरिया ने कहा कि पार्टी जो करेगी वो स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा कि एमपी में बीजेपी की सरकार बनने पर मेरी अहम भूमिका होगी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया जी हैं। धीरज जी, आज आपने भाजपा ज्वाइन किए, आज अचानक आपका हृदय परिवर्तन हुआ, तो क्या है? मैं अभी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता का कार्यक्रम होने वाला है और उसके पूर्व आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी के रूप में, दायित्व के रूप में मैंने 30 वर्षों से ज़्यादा काम किया है, तो अपने परिवार में लौट रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी मेरा जीवन रहा है, बचपन से काम कर रहा था, तो अपने जीवन से जुड़ने जा रहा हूँ ये मानता हूँ। आप भाजपा के जबलपुर में काफ़ी कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं और आपके पास एक अच्छी कार्यकर्ताओं की भी टीम है, तो आपके साथ अब कितने लोग यहाँ आए हैं साथ में?
मैं जब भी मैंने पार्टी छोड़ी थी तो अकेला गया था, किसी को लेके नहीं गया था, सबको, क्योंकि सब साथ ही हैं, विचारधारा के यात्री हैं। तो पटेरिया बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है बीजेपी ऑफिस में, उस पर अधिक अपडेट लेने के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बड़ी बैठक हो रही है, सत्ता और संगठन के बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ मकसद है इस बैठक का? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव का साल है, ऐसे में चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है। चाहे पिछले 2-3 दिन से देखें, लगातार अलग अलग वर्गों के साथ, अलग अलग जो उनके प्रकोष्ठ हैं उनके साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आज जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों के साथ मध्य प्रदेश संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहां मौजूद हैं, चाहे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री प्रकाश जी की बात हो, अजय जामवाल की बात हो, या फिर पी मुरलीधर राव जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, इसके साथ ही संगठन के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जो दिग्गज लोग हैं वो यहां मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय निकल कर आ रहा है, जो जानकार बता रहे हैं कि समन्वय को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार ये देखने में आया कि आपसी समन्वय जो है वो बीजेपी के नेताओं में देखने को नहीं मिला, और ऐसे में अब समन्वय कैसे बेहतर हो इसको लेकर बात हो रही है। और जिस तरीके से कल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे मध्य प्रदेश में एक विशेष अभियान का आगाज होना है, 30 मई से 30 जून तक यह अभियान चलेगा और उसको लेकर भी समीक्षा होनी है। हालांकि इसको लेकर लगातार बैठ के रही है, और जिन जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनको अलग अलग जो है उनके साथ बैठकें की गई हैं, अलग अलग वर्ग जो उनकी बैठकें की गई हैं, हर वर्ग को एक जिम्मेदारियां दी गई, किस तरीके से आपको घरों में जाना है, हर कार्यकर्ता को 25-25 घरों में जाने का जो है वो टास्क दिया गया है। जो केंद्रीय मंत्री आएंगे, यानी केंद्र से जो मंत्री आएंगे वो भी हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और 1000 प्रबुद्ध लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो ऐसी तमाम जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव है और चुनाव को लेकर हर वक्त जो है वो रणनीति हो रही है। इसके साथ ही एक विषय ये भी, जिस तरीके से हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर सकती है। तो ऐसे में संभावना ये भी है कि मुझे हाल ही में शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लौटे हैं और उसके बाद अब तमाम जो केंद्रीय मंत्री है, संगठन से जुड़े पदाधिकारी, उनके साथ बंद कमरे में मुलाकात हो रही है। तो संभवतः उस बात को लेकर भी चर्चा हो कि क्या मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हैं, और यदि होता है तो आखिर कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको शामिल किया जाएगा। क्योंकि अभी अगर बात करें तो लगभग मंत्रिमंडल में फुल बताया जा रहा है और उसमें से कुछ मंत्रियों को बाहर, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा कि नहीं। फिलहाल कोशिश है सत्ता और संगठन में समन्वय बना रहे। शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जांजगीर चांपा से मिल रही बड़ी खबर की। आरक्षक ने थाना प्रभारी और अधिकारियों को गाली दी फोन पर। आरक्षक शिव भोला कश्यप पर गाजगिरी है, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने निलंबित कर दिया। नवागढ़ थाना में पदस्थ हैं आरक्षक। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, पुलिस को खास करके डिसिप्लिन मैनर के लिए जाना जाता है, और जो शिव भोला कश्यप जो पुलिस कर्मचारी था उसे आरोपियों के पता साजी के लिए, खोजबीन के लिए मध्य प्रदेश जाना था। उसकी जो आमद लगाई गई थी, ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन जब थाना प्रभारी नवागढ़ ने उसको फोन से सूचना दी तो गाली गलौज करने लगा। इसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं उनसे भी गाली गलौज की बात सामने आ रही है। इसकी सूचना जैसे ही जांजगीर के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को लगी, तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित किया गया है। और एक बड़ी लापरवाही, बड़ी इस अनुशासनहीनता इसे माना जा रहा है, क्योंकि पुलिस मैनर के लिए जाना जाता है, डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, और अपने आला अधिकारियों को ड्यूटी में, अपने कर्तव्य निभाने में लापरवाही का ये पूरा मामला है, जिसके बाद निलंबित कर दिया गया है। जी सुमित, चुगल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर, पीड़िता की मां पर पॉक्सो एक्ट लगाने का मामला है। रतनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं। एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। पूर्व थाना प्रभारी कृष्णकांत सिंह को निलंबित किया गया है। एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने आदेश जारी किया है। पीड़िता की मां को जमानत मिल गई है 9 दिन बाद। 19 मई को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। पीड़िता की मां को आखिरकार 9 दिन बाद जमानत मिल गई।
बिलासपुर में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 20,000 की चोरी, अब तक मिल चुके हैं 53 लाख रुपए। दो चोर के पास से फिर 12,38,000 रुपए बरामद हुए हैं। पहले भी पुलिस ने जब्त किए थे 41 लाख रुपए। बहन ने बहन के घर ही चोरी कराई थी। मामले में अब तक 53 लाख रुपए पुलिस को मिल चुके हैं। आरोपी के द्वारा बताया जा रहा था कि वो घटनास्थल से उन्होंने इस राशि को प्राप्त किया था, लेकिन जो प्रार्थी है उसके द्वारा इस राशि का उन्होंने इनकार किया जा रहा है। तो इस मामले पर अब पुलिस क्या कर रही है? राशि है किसका इस मामले में? क्योंकि पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है, तो जो अन्य जो विभाग है इनकम टैक्स उसको भी इस जांच के लिए सौंपा जाएगा। सर, जो प्रार्थिया है वो क्या बोल रही है? क्योंकि मेन उसी के घर से पैसा मिला और बार बार वो मना कर रही है, लेकिन उसी की बहन बोल रही है उसके घर से मिला। ये दोनों में जो प्रार्थिया है और जो आरोपी है, दोनों के बयान में विरोधाभास है। सदाबी पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। जांच प्रशासन भिलाई में एक बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा ने सुसाइड कर दिया। पूर्व पुलिस कर्मी की बेटी ने अपने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका के परिजनों का कहना है कि एक लड़का छात्रा को परेशान कर रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या कर ली है। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। लोगों के द्वारा बताया गया कि सेक्टर 4 सड़क नंबर 7 में एक लड़की अपने ही घर में दरवाज़ा अंदर से बंद करके घर का ही कपड़े का टुकड़े से लोहे की एंगल में गठान बांधकर आत्महत्या की है। सूचना पर तत्काल 112 आया। भारत ब्रॉडबैंड लिमिटेड नेटवर्क में पदस्थ सीनियर जनरल मैनेजर ने अपने दुर्ग ऑफिस में फांसी लगा ली, जिसकी सूचना तत्काल मोहन नगर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही BBNL के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू कर दी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। GM है BBNL में, और इन सूचना मिली थी कि उनके द्वारा सुसाइड किया गया है। आकर यहाँ पर जब देखे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, और फिर उसके बाद दरवाजे को पंचनामा कर तोड़ा गया अंदर में, और उनके द्वारा सीलिंग फैन में नायलॉन रस्सी लगाकर गले में फंदा बनाकर फांसी लगा लिए हैं और आत्महत्या करके सही, और इसमें पंचनामा कर शव को जो है मर्चुरी में। वो थोड़ा ऑफिशियल काम के कारण टेंशन में रहते थे, है ना। घर में भी हमारी जो सिस्टर है उसको बोलते थे कि मतलब थोड़ा ऑफिस का प्रेशर है करके, ठीक है। उस प्रेशर को उन्होंने अपने सिर पे ज़्यादा ले लिया और ये कदम उठाया। किस टाइप का प्रेशर था उनको, क्या लगता है आपको? अब ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऑफिशियली प्रेशर था उनका। क्या कोई पहले में जानकारी दी थी किस तरह कदम उठाया? वो दीदी के साथ बात होती थी, दीदी को बताते थे, लेकिन वो मतलब इतना ज्यादा नहीं बताते थे, अपने अंदर ही अंदर रख लिए, थोड़ा बहुत बताते थे, बाकी नहीं। सुकमा में नक्सलियों पर शिकंजा कसा है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने। 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। विस्फोटक के साथ नक्सली गिरफ्तार हुए। SP सुनील शर्मा और SP किरण चौहान ने के नेतृत्व में ये सफलता मिली है पुलिस को। कोटा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो सुरक्षा बलों को एक बार फिर से कामयाबी मिली। कुछ मिलिशिया सदस्य पुलिस टीम का रैकी करने के लिए आए कुछ मिलिशिया सदस्यों को पुलिस ने सुंदमगुड़ा मुल्लीगुड़ा के बीच नाकाबंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। उक्त माओवादी संगठन के सदस्य मड़कम देवा मड़कम हिड़मा, जो कि कनाईपाड़ के रहने वाले हैं, और स्वयं जोगा जो कि गोमपाड़ के रहने वाले हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो पोंटा एरिया कमेटी के सदस्य माड़वी देवा के कहने पर पुलिस पार्टी के रेकी करने आए थे। साथ ही साथ ये विगत दिनों कोंटा क्षेत्र में हुई घटनाएं। अंबिकापुर में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़कर घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। घटना ग्राम पहाड़ चिरगा की है, जहां पानी की टंकी पर चढ़कर एक युवक आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते युवक हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा था। युवक गोविंदपुर गाँव का रहने वाला। पुलिस की घंटों मशक्कत के बाद पानी की टंकी से युवक नीचे उतरा। टाइप
बताबे समझबे तब न साला जानी कोई आदमी। गरियाबंद में भालू के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पांडुका वन परिक्षेत्र के ग्राम तैरेंगा में भालू दिखा। भीषण गर्मी में पानी की तलाश में गांव के करीब भालू पहुंच गया था, जिससे आसपास के गांव में वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। धमतरी में तीन दंतेल हाथी एक मंदिर के पास पहुंच गए और सड़क पर लगे सूचना बोर्ड को तोड़ दिया। हाथियों के आने से इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने राहगीरों और ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। रायपुर में सड़कों पर अतिक्रमण कर दुकान और व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। देवपुरी सहित रायपुर में कई जगहों पर निगम का बुलडोजर चला। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण कर ट्रैफिक बाधित करने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। हमारे द्वारा और नगर निगम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से ऐसे जो सड़क पे दुकानों को बाहर निकाल देते हैं, सामान बाहर निकाल रहे हैं या सड़क पे गाड़ी खड़ा किए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ या दुकानदारों के खिलाफ निगम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है आज, जिसमें अलग अलग इलाकों पर अलग अलग जोन पे बाजार क्षेत्र में हमारी टीम गई हुई है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी युवा मोर्चा ने संयुक्त रूप से पोस्टर चिपकाओ अभियान की शुरुआत की और इस दौरान भगत सिंह चौक से तेलीबांधा तक पोस्टर रैली भी निकाली गई, जिसके बाद बीएसयू कॉलोनी में पोस्टर चिपकाए गए। महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दोनों संयुक्त रूप से आज पोस्टर चिपकाओ अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। हम पूरे मंडल तक, पूरे बूथ स्तर तक जाएंगे और ये पोस्टर को चिपकाकर भूपेश बघेल की सरकार की आंख खोलने का भी प्रयास करेंगे। सर्व आदिवासी समाज ने धमतरी कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जिसके बाद आदिवासी वहीं सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। बाद में समाज की तरफ से शासन के नाम एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। ये प्रदर्शन 23 सूत्री मांगों को लेकर किया गया, जिसमें 23% आरक्षण, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून शामिल है। रावा भाटा रायपुर में हम लोग प्रदेश स्तर आंदोलन किए थे, तो वर्तमान सरकार के मंत्री और विधायक उस समय भी विधायक थे, उनके मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष थे, शिशुपाल सोरी साहब थे, कवासी लखमा जी थे, अनिला भेड़िया थे, अमर जी। भारी उत्साह और जनता की तरफ से मिल रहे बेशुमार प्यार को देखते हुए नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की तरफ से लगाई गई स्वदेश नाम की आर्ट और क्राफ्ट एग्जीबिशन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। बता दें कि इस प्रदर्शनी में पहुंचने वाले लोगों को अलग अलग ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को देखने और समझने का मौका मिल रहा है। पारंपरिक आर्ट से परिचित हो सकेंगे तथा इनके एक्सपर्ट कारीगरों को देखने और उनसे बातचीत करने का अनुभव भी आप यहां पर प्राप्त कर सकेंगे। एग्जीबिशन में अपनी आंखों के सामने कारीगरों को काम करते हुए देखना और उनसे बात करना अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा अनुभव है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी कहती हैं कि कलाकार हमारे देश का गौरव है और कला और शिल्प हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ऐसे में हमारे लिए ये सौभाग्य है और सम्मान की बात है कि NMACC हम उन्हें अपने कौशल और प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करते हैं, उन्हें सम्मानित कर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे हैं। बता दें कि इस विस्तारित प्रदर्शनी में इस बार तमिलनाडु के तंजोर से पेंटिंग, पलागई पदम आंध्र प्रदेश से वेंकटागिरी बुनाई, गुजरात की पटोला बुनाई और आंध्र प्रदेश से थोलू बोमनलता चमड़ा कठपुतली की कला को भी शामिल किया गया है। मुंबई के हृदयस्थल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड सेंटर में स्थित NMACC अपने आप में कला के क्षेत्र में विभिन्न विविधताओं वाला पहला स्थान है। देश की प्रमुख फैशन ई टेलर आजियो की बिग बोल्ड सेल 1 जून से शुरू हो रही है।
ग्राहकों को 28 मई से प्रतिदिन 6 घंटे की सीमित अवधि के लिए अर्ली एक्सेस भी प्राप्त हुआ है। बिग बोल्ड सेल के अब तक के सबसे बड़े संस्करण में ग्राहक 5000 से ज्यादा ब्रांडों की खरीदारी कर सकते हैं। आजियो की पहुंच देश भर के 19000 से अधिक पिन कोड पर है, यानी कि देश भर के ग्राहक यहां से खरीदारी कर सकते हैं। आजियो की इस सेल में फैशन, लाइफस्टाइल, सौंदर्य सामग्री, ज्वेलरी और पर्सनल केयर की खरीदारी की जा सकती है। इस सेल में प्रमुख ब्रांड्स पर 50% से 90% तक की छूट मिल रही है। साथ ही ग्राहक SBI डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से 10% की अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं। भारत में लड़कियों और महिला एथलीट्स की उपस्थिति और सफलता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रिलायंस फाउंडेशन ने मासिक धर्म और एथलीट के प्रदर्शन के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनकी इनिशिएटिव सिंपल स्पोर्ट फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। राष्ट्रव्यापी मासिक धर्म कार्यक्रम का ध्यान मासिक धर्म और एथलीट के प्रदर्शन के बीच एथलीट को शिक्षित करना और महिला एथलीट का समर्थन करना इसका मकसद है। जागरूकता बढ़ाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन और SSF ने एथलीट्स और कोचों को मासिक धर्म और खेल पर इसके प्रभाव से संबंधित आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला की योजना बनाई है। इसके अलावा महिला एथलीट के पोषण, मनोविज्ञान और स्वास्थ्य जैसे विषयों को शामिल करते हुए एक व्यापक ज्ञान भंडार विकसित करने पर फोकस है। व्यापक जागरूकता और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन संसाधनों को डिजिटल चैनल्स के माध्यम से भी सुलभ बनाया जाएगा। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। गरियाबंद में शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं ने खुला मोर्चा, शराब दुकान का किया घेराव। दुर्ग में भारत ब्रांडेड नेटवर्क के GM ने की आत्महत्या, पुलिस कर रही जांच। मुंगेली में बेकाबू वाहन पेड़ से टकराया, ड्राइवर को आई चोट। मुंगेली में बीजेपी महिला मोर्चा का हल्ला बोल, आबकारी घोटाले के विरोध में किया प्रदर्शन। बिलासपुर में पीड़िता की मां को मिली जमानत, 19 मई से थी गिरफ्तार। रायपुर में कई स्थानों पर चला निगम का बुलडोजर, फुटपाथ से हटाया अतिक्रमण। रायपुर में चुनावी तैयारी में उतार निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ऑफिस में वर्कशॉप। धमतरी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मगरलोड से मैं फर्जी रॉयल्टी से रेत बिक्री करने का आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो आए सामने। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।